बिग बॉस जिस चीज के लिए जाना जाता है वो इस शो पर शुरू हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। ये वीडियो भी शुरू हो चुकी है। मैं बात कर रही हूँ कंट्रोवर्सी की। पहले इसके फॉर्मेट को लेकर हो हल्ला मचा, नारेबाजी से लेकर प्रदर्शन और इस शो के बैन करने तक की मांग उठ चुकी है। लेकिन ये तो बाहरी फैक्टर हो गए, अब बिग बॉस के घर में ही दिक्कतें शुरू हो गई हैं और ये रेगुलर दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं है। आपने आज तक बिग बॉस के किस सीजन में सुना है या देखा है कि कोई कंटेस्टेंट शो के होस्ट की वजह से घर से बाहर जाना चाहता हो? इस सीजन में हो रहा है पहली बार। जी बिल्कुल, होस्ट है सलमान खान। बिग बॉस को पिछले कई सीजन होस्ट कर चुके हैं सलमान खान। उन पे हमेशा बायस्ड होने यानी पक्षपात करने के आरोप में घेर लिया जाता है। अगर आप ये शो देखते हैं तो आपको भी ये बात पता होगी, लेकिन इस शो में हिस्सा लेने आए लोग इस बारे में खुलकर कभी भी नहीं कह पाते। अब सलमान खान से अपने संबंध कौन ही खराब करना चाहेगा, ऑफ कोर्स। लेकिन इस बार घर से निकलते ही कोयना मित्रा ने सलमान खान को धो डाला और अब वही बात पारस छाबड़ा कर रहे हैं। पारस 21 अक्टूबर के एपिसोड में अपनी साथी कंटेस्टेंट माहिरा शर्मा से ये कहते हुए सुने गए कि उन्हें सलमान खान का जो बर्ताव है वो पसंद नहीं आया। अगर सलमान को उनसे कोई दिक्कत है तो वो यानी पारस अपनी बात कर रहे थे कि ये शो छोड़कर जा सकते हैं। इस सीजन के ओपनिंग एपिसोड से ही पता चल गया था कि सलमान खान को पंजाबी मॉडल शहनाज गिल की सादगी और बचकाना जो बिहेवियर है ना वो पसंद आ रहा है। आगे शो में ना शहनाज का बर्ताव बदला और ना ही सलमान खान का। वो अब भी बिग बॉस के घर में उनकी फेवरेट बनी हुई है। ये चीज़ घर वालों को खल रही है। दूसरी तरफ है पारस छाबड़ा, जिन पर लड़कियों के पीछे छिप कर खेलने के आरोप लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घर में मौजूद किसी लड़के से उनकी नहीं बनती। वो लोगों के पीठ पीछे उनके बारे में पर्सनल बातें करते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई ने दिल से दिल तक नाम के एक शो में साथ में काम किया था। इस बारे में पारस ने देवोलीना भट्टाचार्य जी से कहा कि शो के सेट पर सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि को गंदी गालियाँ देते थे। साथ ही ये भी बताया कि वो पिछले काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में थे और इसी वजह से वो मोटे भी हो गए थे। इस बारे में हर वीकेंड कॉल करने वाले एक कॉलर ने पारस से सवाल भी पूछा, लेकिन पारस ने बात घुमा फिराकर उसका जवाब नहीं दिया। इन सब चीज़ों को देखते हुए सलमान खान बेसिकली पारस से ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने अभी तक पारस की कायदे से क्लास भी नहीं ली है। अब बचे सलमान खान, जो हर बार बिग बॉस छोड़ने की धमकी तो देते हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं। वजह चाहे जो भी हो, हर सीजन में कोई ना कोई कंटेस्टेंट उनके निशाने पर आता है जिसकी वो मरम्मत कर देते हैं, लेकिन इस बार वो पूरे घर से ही खफा नजर आ रहे हैं। सोमवार वाला जो एपिसोड था उसमें घर वालों ने कुछ ऐसा कर दिया कि सलमान खान गुस्से में अपनी जैकेट स्टेज पर फेंक कर नीचे उतर गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी और से ये काम करवा लें, यानी बिग बॉस के मेकर्स इस शो के लिए कोई और होस्ट ढूंढ लें। उनसे ये नहीं हो पा रहा है। अब ये मामला कितना सीरियस है ये तो आने वाला वीकेंड ही बताएगा। हमने आपको पूरी बात बता दी है। आपकी कोई राय है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें और ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए दी लल्लन टॉप। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।